हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर आईफोन 6s में अपडेट कब तक मिलेंगे। सो ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है मेरे वीडियो के कमेंट में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईफोन 6s को कब तक अपडेट मिलेंगे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। यहाँ पे गाइज आप लोगों को बता दूँ, सभी लोग जानते होंगे कि एप्पल अपने किसी भी आईफोन को 5 साल से ज़्यादा अपडेट नहीं देता है, लेकिन आईफोन 6s ही वो पहला आईफोन है जिसको सबसे ज़्यादा अपडेट मिले हैं। 2015 में आया था और 2022 चल रहा है, और अभी तक इसमें लेटेस्ट अपडेट चल रहा है जो आईफोन 13 प्रो मैक्स में चल रहा है, वही अपडेट आईफोन 6s में भी चल रहा है, iOS 15.3.1। और यहाँ पे इसको अभी कब तक अपडेट मिलेंगे, अगर ऐसी जानकारी बताऊँ तो अभी तक एप्पल ने ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया है कि इसको कब तक अपडेट देगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आईफोन 6 को अपडेट जो है 12.5 करके आया था लास्ट अपडेट, और हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईफोन 6s को भी अभी काफ़ी टाइम तक अपडेट मिलेंगे। काफ़ी टाइम का मतलब ये है कि अभी आप लोग जानते हो मार्च में जो है इवेंट होने वाला है इसका एप्पल का, तो हो सकता है उसी दौरान जो है 15.4 रिलीज़ कर दिया जाए, तो वो तो इस अपडेट को, इस आईफोन को मिलेगा ही वो अपडेट। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आईफोन यानी कि एप्पल अपना iOS जून में जो बीटा रिलीज़ करता है, iOS 16 का जो बीटा रिलीज़ करेगा जून में, तो जून तक तो आप लोग मान के चलिए आईफोन 6s को अपडेट तो मिलने ही वाले हैं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है गाइस। मैं आपको एज अ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको जून तक यानी कि मार्च अप्रैल मई यानी 3 महीने भी आपको और आईफोन 6s में अपडेट देखने को मिल सकते हैं। और जून में जैसे ही iOS 16 का बीटा रिलीज़ होगा उसके बाद आईफोन 6s में जो अपडेट्स हैं वो आई थिंक मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको काफ़ी टाइम हो चुका है और अब एप्पल इस फ़ोन को अपडेट नहीं देगा। अगर अब इसमें अपडेट नहीं आएंगे तो क्या ये आईफोन ख़राब हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, अब फ़ोन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, iOS 15 मिल गया ये बहुत बड़ी बात है, और भी सारे जो ऐप्स हैं बैंकिंग ऐप्स हैं वगैरह तो अभी साल दो साल तो इसमें चलते रहेंगे, और 1-2 साल तक तो आपको इस आईफोन 6s को आप आराम से यूज़ कर सकते हो एज ए सेकेंडरी डिवाइस। आपको सिर्फ इसमें बैटरी प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सिक्योरिटी प्राइवेसी को लेकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम आईफोन 6s में देखने को नहीं मिलेगा। सो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अपडेट नहीं मिलेगा तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब एंड्रॉयड फ़ोन आप लोग कोई ख़रीदते हो तो उसमें भी 1-2 साल तक अपडेट मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, वन प्लस या फिर गूगल पिक्सल वगैरह की बात अलग हो गई। आईफोन 6s तो आपका काफ़ी टाइम तक आराम से चलता ही रहेगा, एक ही अपडेट है तो क्या हुआ, आप आराम से 1.5-2 साल तक आप यूज़ कर पाओगे। अगर आपको बैटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फ़ोन काफ़ी हैंडी, बहुत ही अच्छा लगता है। अपडेट हालांकि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एप्पल इसको इस तरह से अपडेट दे चुका है कि फ़ोन काफ़ी सिक्योर्ड हो चुका है, काफ़ी मजबूत है। आपको प्राइवेसी को लेकर के आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपडेट जून तक तो मिलेंगे ही। खैर ये तो रही मेरा एक्सपीरियंस वाली बात, अब आप लोग इंतज़ार कीजिए, इसमें कोई भी जो है ऑफिशियली जानकारी नहीं थी जो मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। फ़िलहाल आप लोग वेट कर सकते हो जब तक जून नहीं आ जाता, और जून में जैसे ही iOS 16 का बीटा रिलीज़ होगा तब आईफोन 6s के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी कि इसको अपडेट और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एप्पल से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।